कि मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई कहना तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्ला, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। किस चीज की तलब है, न है आरज़ू भी कोई, न है आरज़ू भी कोई, क्यों तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कश कोल भरते भरते सल्लल्लाह, कश कोल भरते भरते मेरी बात बन गई है। क्यों मिली है जिंदगी, कोई बताएगा एक लाइन में जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अब हम गौर करें कि शब रोज़ यानी 24 घंटे के अंदर हम इस मकसद पर कितना काम कर रहे हैं, कितना वक्त हम खास अल्लाह उसके रसूल के लिए निकाल रहे हैं, कितना हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं जो यकीनन दुनिया व आखिरत संवारने के लिए होता है, कितना हम इबादात के लिए वक्त निकाल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अब फौरन आप अपने आप से पूछेंगे ना तो आपको जवाब शायद मुख्तलिफ आए, हकीकत में तो यही आएगा जवाब अंदर से, पर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो अंदर से जवाब फिर आएगा कि नहीं यार तू वो कर तो नहीं रहा जो असल मकसद है, उससे तो हम हटे हुए हैं, क्या ख्याल है? तो हमें गौर करना चाहिए भाइयों कि जिंदगी का जो असल मकसद है ना उससे नहीं हटना, डिट्रैक्ट नहीं होना, हमने मकसद को मद्देनजर रखकर जिंदगी गुजार दी। एटलीस्ट इतना तो बंदा कर ले कि यार कोई भी काम करने से पहले सोच ले कहीं मेरा रब और रब का महबूब इस काम से नाराज तो नहीं होंगे, इतना तो कर सकते हैं ना यार, क्या ख्याल है? बंदा ये सोच ले यार ये काम मैं यूं कर रहा हूं इससे रब और रब के महबूब नाराज तो नहीं होंगे, मैं मेरी ये वाली जो आदत है गाली देकर बात करना, बद अखलाकी करना, बेहयाई वाले काम, रब उसके रसूल इससे नाराज होते हैं तो फिर क्या बनेगा? अल्लाह करे आज की महफिल हमारे लिए हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो, आज हमारे मुकद्दर सवर जाए और हम यहाँ से नीयत करके उठें कि भाई बहुत हो गया, बस अब बहुत वक्त ज़ाया हो गया, अल्लाह माफ़ फरमाए, अब जो ज़िंदगी गुजरेगी वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में प्रैक्टिकली गुजरेगी इंशाल्लाह। यानी एक तो मोहब्बत का दावा है जो कि हम सबका है, पर दावा दलील मांगता है, अल्लाह करे कि हमारा अमल भी ये जाहिर करता हो, कम से कम हमें तो पता हो ना कि हमारा अमल ऐसा है कि हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कौन कौन नीयत करता है इंशाल्लाह, आज ये महफिल में मस्जिद भरी हुई, अल्लाह करे नमाज में भी यही रौनक हो, सुभान अल्लाह। कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह। शायर ने कहा तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत लाए आका, मुझे मौत लाए आका, तेरा जिक्र करते करते सल्लल्लाह, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है।
बन गई है तेरी बात करते करते सल्लल्लाह तेरी बात करते तेरी बात करते करते